सो गाइज मेरे साथ एक बहुत ही फनी स्टोरी हुई विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। यार ये तो आइकिया की साइड से मिस्टेक हुई है। सो आप लोगों को लगा होगा कि मैं ऐसे जमीन पे क्यों बैठी हुई हूँ। हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सैंक स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप लोगों को लगा होगा कि मैं ऐसे जमीन पे क्यों बैठी हुई हूँ, फ्लोर पे क्यों बैठी हुई हूँ ऐसे। सो गाइज आपको जैसे पता ही होगा हम लोगों ने आइकिया से फर्नीचर खरीदा था एंड डिलीवरी भी उसकी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। तो हमने अभी बेड, मैट्रेस, ऑफिस चेयर, टेबल ऑर्डर करी थी। उसमें से हमने ऑफिस चेयर और टेबल तो असेंबल कर ली थी। एज यू गाइज नो यहाँ पर सब कुछ आपको खुद ही असेंबल करना होता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं होता कि आप असेंबल करवा लो बाहर से या जहाँ से आप फर्नीचर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वी टुक इट फ्रॉम आइकिया, तो वहाँ से हम असेंबल करा सकते थे, बट ऑब्वियसली वी हैव टू पे फॉर इट और यहाँ पर ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो हमने टेबल और चेयर तो असेंबल कर लिया था, टचवुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत इजीली हो गया। बट मैट्रेस भी ओपन कर लिया था आते ही, क्योंकि यार मैट्रेस तो करना ही था ओपन। अब बारी आई बेड की, जो हम काफ़ी टाइम से सोचे थे बनाते हैं, बट वी वर लाइक गेटिंग लेजी एंड फाइनली जाकर आई थॉट यार अब बनाना ही पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज वो दिन आ गया जब मैंने सोचा कि बेड असेंबल करते हैं आज हम। इसलिए रूम पूरा खाली करा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर हम बेड का फर्नीचर लेकर आएंगे जो आइकिया से आया हुआ है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द बेड टुडे। एंड मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि दिस वुड बी आवर फर्स्ट टाइम ऑल्सो दैट वील बी असेंबलिंग अ बेड। तो हम भी करते करते सीखेंगे और जितना भी वीडियोस देखिए, जितना भी मैनुअल पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो फॉर ऑल दोज विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, या जो लोग आए हैं या जिन्होंने असेंबल करना है या फर्नीचर लेना है, तो उनके लिए आई थिंक दिस वीडियो वुड बी रियली हेल्पफुल। तो चलो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली टाइम कंज्यूमिंग। आई डोंट नो, एक घंटा लगेगा, दो घंटा लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि आइकिया से फर्नीचर हमें कैसे आया था, किस तरीके से पैक्ड होकर आया था। इट वॉज पैक्ड रियली वेल और बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में पैक्ड है, तो देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा है कि एक्चुअली इसी सामान में से बेड बन जाएगा। मुझे लग रहा है, पता नहीं यार, मतलब इतने से सामान में बेड कैसे बन जाएगा, छोटा छोटा सब कुछ पार्ट्स उसमें पैक करके आए हुए हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती ना, तो घर की, इंडिया की बहुत याद आती है, जहाँ पर हम आई रिमेम्बर फर्नीचर लेने जाते थे, होम टाउन जैसी जगह में जाते थे, फर्नीचर लिया एंड डिलीवर हो जाता था घर में बना बनाया। यहाँ पर भी हम हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियसली वी हैव टू पे अ सर्टन अमाउंट फॉर इट। फॉर एग्जांपल जो बेड है उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस वर अराउंड $200 आई थिंक फॉर दिस बेड। तो यार क्यों वेस्ट करना, खुद ही कर लेते हैं, और कभी ना कभी तो ट्राई करना पड़ेगा, कनाडा में रहना है तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आज ही तो कल करना ही है, तो चलो आज से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गो। अच्छा ये सारे स्क्रूज हैं इसमें, ऑल द नट्स एंड स्क्रूज इसमें हैं, दैट्स द मैनुअल जो भी पढ़ेंगे हम, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है। इसमें एक और हेडबोर्ड है, ये निकालना है। ये मैलमो ब्रांड का बेड है, MALM। सो वी हैव टेकन अ क्वीन साइज बेड फ्रॉम आइकिया एंड कुछ 500 के अराउंड, $490 का कुछ पड़ा था हमें ये बेड। दिस इज़ अ मैनुअल विच कम्स विद एवरी फर्नीचर कि आपको कैसे असेंबल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। When you come to Canada, after some time, just buy a toolkit जो घर पर रखो, क्योंकि यहाँ पर काम आती आती है। तो हम लोगों ने भी Amazon से order करी थी and मैं link नीचे डाल दूँगी। कुछ ब्लैक डेकर करके ब्रांड है जिसकी मैंने toolkit order करी है, कुछ 89 पीस की toolkit है वो, but 1-2 days में delivery भी होगी थी and it's quite nice क्योंकि उसमें सब कुछ मिल गया हमें, drilling machine से लेकर all the manual tools जो होते हैं, equipments होते हैं, सब कुछ है। So I quite liked it. सो मैं पढ़ने वाली हूँ मैनुअल, सो अभी मैनुअल जो साथ में मिल गया ये मैं पढ़ने वाली हूँ एंड देखो तो पहले क्या लिखा है, क्या करना है। इधर ना बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे है ना, काफ़ी टाइम हो गया ऑलरेडी, आई थिंक हाफ एन आवर हो गया करते करते।
और अभी अच्छा खासा टाइम और लगने वाला है आई एम श्योर, एक डेढ़ घंटा आराम से लगेगा बेड को बनने में, इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। अभी तो यही हम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर के पार्ट्स, अभी नीचे का पार्ट आएगा, वो पूरी प्लाई लगानी होती है वो आएगा, सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मज़ा आ रहा है दो मेरे को करने में, बट बहुत टाइम लगने वाला है। नहीं बन तो जाएगा यार, बन तो जाएगा, नहीं तो मैट्रेस तो है, जैसे अभी तक सो रहे थे मैट्रेस के ऊपर वही करेंगे, बट आई एम श्योर बन जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट जो मैनुअल दी हुई है साथ में, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो हम लोग कर रहे हैं जैसे, हाँ इट्स ईजी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे दैट आई एम, इट्स अ पजल फॉर मी, जैसे बच्चों की वो पजल आती है ना, यू गो टू हैमलेस एंड ऑल, यू गेट वहाँ से बच्चों की जो पजल आती है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो मेरे को वैसे लग रहा है, इसलिए मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। अगर ये एक घंटे तक ऐसे चलता रहा फिर भी हम लगे रहे और नहीं समझ आएगा कुछ, तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी, बट एनी वेज टिल नाउ वी आर फॉलोइंग द स्टेप्स जो मैनुअल में लिखा है एंड इट्स गोइंग गुड। एंड मतलब अदरवाइज ऑल्सो मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखी है, काफ़ी लोग ने बनाया है तो सब बना पाए थे, तो हम भी बना ही लेंगे, तो डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। प्लस वन मोर थिंग, आइकिया जनरली जो भी प्रोडक्ट सेल करता है तो वो असेंबल खुद करना है लोगों को, उसके हिसाब से ही बनते हैं, सो दे मेक प्रोडक्ट्स विच आर ईजी टू असेंबल। प्लस वन मोर थिंग दैट वी हैव अर टूल किट जो हमें आइकिया से नहीं मिली थी फर्नीचर के साथ। आइकिया में जो भी फर्नीचर होता है उसके छोटे मोटे से क्या बोलते हैं उसको, एलन की राइट, तो एलन की टाइप की चीज़ें अगर आपको पता होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, तो वो सब मिलता है। टूल किट इज़ अ मस्ट, तभी आप बना पाओगे, वरना फिर और टाइम लगेगा आपको, फिर एक्स वाई जी किचन की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, विच लाइक बेलन एंड ऑल, जैसे मैंने कई लोगों का देखा था टूल किट नहीं ले पाए थे वो, तो उन्होंने बेलन वगैरह से करा, तो वो काफ़ी टाइम लग सकता है बेलन वगैरह यूज़ करके। सो टूल किट लेकर रख लो यार, वो तो यहाँ पर काम आने ही वाला है हर चीज़ में। सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग अगर असेंबल कराना चाहते हो आइकिया से, ठीक है, तो आपको जब आप फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हो उसी टाइम यू हैव टू टेल देम यू वांट कि वो लोग ही असेंबल करें आके, एंड जितना भी अमाउंट होता है, प्राइस होता है, वो आप पे कर सकते हो, बिल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। एक बार आप ओपन कर लो, लाइक वी हैव ओपनड आवर फर्नीचर, अगर हमसे अब नहीं हो पा रहा तो अब हम उनको कॉल करके असेंबली के लिए नहीं बुला सकते, एज इन अब मतलब अभी नहीं, बट असेंबली अब आइकिया से नहीं करा सकते, अब हमें खुद से ही करना है जैसे करना है, या फिर किसी फ्रेंड नेबर या हुसोएवर बिल्डिंग में किसी से हेल्प ले लें तो ले लें, आइकिया से वी कांट टेल देम टू कम एंड असेंबल। तब द क्रक्सेस, एक बार हमने खोल दिया फर्नीचर उसके बाद हमें ही करना है जैसे तैसे, सो दैट्स अ थिंग। सो इफ़ यू आर मतलब यार हम लोग भी कोई ट्रेंड होना है, सब लोग कर ही लेते हैं तो आप भी कर लोगे और हम भी टच वुड कर ही लेंगे। आई एम बींग पॉजिटिव राइट नाउ, अभी एक घंटे बाद मेरे को पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। सो हमारे बेड का स्ट्रक्चर बन गया है, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज़ डन, एंड अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें ये हेडबोर्ड इसमें फिक्स करना है। That's it, I think, no? वो वाला अंदर कर देते हैं, इसको कर देते हैं। Good to go. Headboard is done. अभी हम ये वाला पार्ट लगा रहे हैं, दिस सिल्वर पार्ट, जिसके ऊपर दिस इज़ द बेस, इसके ऊपर जो वो वुडन प्लाई होती है यहाँ पे वो आएंगी, तो ये ड्रिलिंग मशीन से स्क्रू इसके अंदर जाएगा। सो मैं भी ट्राई कर रही हूँ ड्रिलिंग मशीन की कितनी डिफिकल्ट और इजी है, सो ट्राई करें, इसको पुश करना है, इसमें लगाया एंड पुश, yeah. बस इजी, कितना करना है अंदर नॉन yeah. बस Very good. और yeah. Is it done? Yeah. Good Not job. that difficult, yeah. Good job. मजा आया। हाँ तो ये बनना, अगर ये drill machine नहीं होगी आपको screw driver से ही करना। तो it will take time. So the thing is कि time gets tiring also. Yeah. So time बचाना अगर आपको तो drilling machine होगी आपके पास तो it's a benefit for you. Otherwise you will get tired also ना कर करके screw driver से manually. हमने जो base है वो ready कर दी है। ये जो आप देख सकते हो वुडन पीसेस, सो वील पुट इट ऑन दिस, ये जो बेस है और इसके ऊपर मैट्रेस आ जाएगा। सो अब ये लगाते हैं, ये पूरा लग गया है और हमें बहुत टाइम लग गया, लाइक हमने इवनिंग में स्टार्ट करा था और अभी रात हो गई है तीन, हाँ आई थिंक मोर देन 3 आवर्स हमें हो गए करते करते। ये स्टार्टिंग में आई वॉज फाइंडिंग इट रियली ईजी और अच्छा भी लग रहा था,
बट अभी हालत खराब है गाइज। ये करके इसके ऊपर सीधा मैट्रेस डालने वाली हूँ मैं। स्टोरेज हम लोग बाद में बनाएंगे, आई थिंक कल सुबह मैं स्टोरेज बनाने वाली हूँ। अभी तो बिल्कुल भी आई एम नॉट रेडी टू डू स्टोरेज राइट नाउ, बहुत थक गए हैं। सो आई विल सी यू। सो फाइनली द बेड इज रेडी। आई एम गोइंग टू हैव अ रियली गुड स्लीप टूडे, क्योंकि बहुत मेहनत करी ये बेड बनाने में। इट इज़ टाइम टेकिंग, तो वो दिमाग में बिठा के चलना कि टाइम लगेगा। डोंट लूज योर पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रख के करोगे तो हो जाएगा। हाय गाइस, सो दिस इज़ डे टू ऑफ मी असेंबलिंग द बेड। आपने अभी तक देखा होगा कि हमने कल 3-3.5 घंटे लगा के पूरा बेड असेंबल तो कर लिया, बट हमने स्टोरेज असेंबल नहीं करी क्योंकि वी गॉट रियली टायर्ड। काफ़ी टाइम लग गया था यार, 3 घंटे लग गए थे करते करते असेंबल। तो अभी जाके मैंने स्टोरेज कंप्लीट करी है, मतलब 1 drawer हैज़ बीन मेड। एंड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था स्टोरेज वाला ड्रॉर बनाना, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो ये स्टोरेज है। सो ये एक साइड पे 2 drawers लगेंगे और ये 1 drawer है, एक और अभी हम बनाएंगे। सो दैट्स द स्टोरेज। सो गाइज, मेरे साथ एक बहुत ही फनी स्टोरी हुई विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। सो कल हमने बेड बना लिया एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि आई हैव अ कम्फर्टेबल स्लीप, फाइनली बेड बन गया है। बट उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था दैट द बेड इज़ नॉट दैट स्टर्डी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो हमने कुछ ढंग से फिक्स नहीं करा या दे सम प्रॉब्लम। सो जो स्लैट्स होते हैं, बेसिकली जो बेस दिया जाता है, वुडन बेस दिया जाता है, तो वो इतने स्टर्डी नहीं था, वो हिल रहे थे। सो फिर मैंने थोड़ी वीडियोस चेक करी दैट इज़ दिस द राइट वे टू पुट द स्लैट्स। एंड देन आई रियलाइज मैं जो भी वीडियो चेक कर रही थी ना, उस पर 2 sets ऑफ स्लैट्स मिलते हैं आपको बेड के साथ। मतलब अगर क्वीन साइज बेड है आपका तो एक साइड में आपको, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड होता है ना, तो एक साइड में आपको 1 set ऑफ स्लैट्स ही लगाने, जिसमें आई थिंक क्वीन साइज में कुछ जो वुडन स्लैट्स होते हैं वो 16-18 इन नंबर होते हैं। और हमारे पास थे 4 sets, मतलब 16-18 1 set में स्लैट्स थे एंड वी हैड इनटू 4 sets। तो आई वाज क्वाइट कंफ्यूज, क्योंकि अगर आपने वीडियो भी देखी होगी अभी तक तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही मतलब पास लगे हमारे जो वुडन स्लैट्स लगे हुए हैं, और मैंने जितनी भी वीडियो ऑनलाइन देखी उसमें काफ़ी डिस्टेंस में लगे हुए थे, सो दैट दे आर स्टेबल एंड मोर स्टर्डी। उसके बाद आई गॉट रियली कंफ्यूज, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी उसमें 2 set ही लगे हुए थे। सो देन आई थॉट ऑफ कॉलिंग IKEA। सो IKEA में कॉल लगा लिया कॉल सेंटर में, और कुछ 1 hour तक तो वेटिंग में ही थे। फाइनली वी गॉट थ्रू। सो वी हैड अ वर्ड विद अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव। आई टोल्ड हर माई प्रॉब्लम एंड शी टोल्ड अस कि एक क्वीन साइज बेड के साथ 2 set ऑफ स्लैट्स ही आते हैं, हो सकता है किसी और ऑर्डर का आपके में आ गया। सो आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज टिल देन आई वॉज थिंकिंग कि हमने ठीक से नहीं लगाया, क्योंकि यार IKEA से अगर कुछ आपको पार्ट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो लगते ही हैं। तो आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज, मैं बार बार अपने आप को मतलब सोच रही थी, मैनुअल पढ़ रही थी, वीडियोज देख रही थी। देन जब IKEA कस्टमर केयर से बात हुई तो पता चला कि यार ये तो IKEA की साइड से मिस्टेक हुई है कि हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया है और गलती से किसी और का ऑर्डर हमारे पास आ गया है। एंड दिस वाज द रीज़न कि बेड इतना स्टर्डी नहीं था। तो फाइनली वो 2 sets ऑफ स्लैट्स जो थे वो अच्छे से लगाए एंड नाउ द बेड इज़ फाइनली रेडी। दिस इज़ द राइट वे टू पुट द स्लैट्स। अब जो बेड है वो काफ़ी स्टर्डी है और बिल्कुल भी बेस जो है, स्लैट्स जो है, बिल्कुल भी इधर उधर हिल नहीं रहे। एंड ऐसे आपको पैकेजिंग आएगी इसकी, मतलब कार्टन के अंदर, और ऐसा निकलेगा। एंड दीज आर द एक्स्ट्रा 1 जो हम कल लगा रहे थे, और अब ये 2 sets लगे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। एंड दिस इज़ अ एक्स्ट्रा सेट जो IKEA ने हमें गलती से भेज दिया था। सो नाउ द बेड इज़ फाइनली रेडी एंड आई एम सो ग्लैड कि फाइनली बेड बन गया। सो गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू गाइज। एंड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस या डाउट्स होते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। मेरे को तो मज़ा आ रहा है। देखो यही काम आप ऐसे रो धो के भी कर सकते हो कि यार क्या है, क्यों करना पड़ रहा है ये वो, तो फिर ऑब्वियसली पता लगेगा सब कुछ आपको, टाइम भी ज़्यादा लगेगा हर चीज़ में, ठीक है अभी ओके। बट अगर ये आप हंस के करो जैसे मैं कर रही हूँ।
डिनर में तुम बनाओ। लेबर को खाने मिलेगा।